जैसे कि हमने आपको भी ये वीडियो दिखाया है, इसमें बताया गया कि किस तरीके से, जैसे कि आपने देखा होगा यमुना के अंदर जो है गंदा पानी छोड़ा जा रहा है, साथ ही जो यूपी और हरियाणा में फैक्ट्रीज जो है वो अपना केमिकल वेस्ट लगातार जो है वो यमुना में डंप कर रही है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन लेवल यमुना का जो है वो बढ़ रहा है। जैसे कि झाग जो झाग वगैरह जो आप न्यूज में देखते होंगे यमुना में दिखाया जा रहा है, क्या लगता है आपको, क्या कुछ करना चाहेंगे इस बारे में? देखो, यमुना का जो वेस्ट जा रहा है उसके अंदर जो उसका पॉल्यूशन लेवल है वो सबके लिए एक चिंता का कारण है, हमारे लिए भी है, बिकॉज उसी का पानी हम लोग पीते हैं, हमें यूज होता है। लेकिन मुझे एक चीज की खुशी हुई है, देखकर पीछे कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, एक यूट्यूबर है जो कि सभी स्टेट्स में जाके वहां के जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उनकी वीडियोस बनाते हैं, उनका रिव्यू करते हैं। तो उन्होंने दिखाया कि दिल्ली के दो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है मेजर, और दोनों अलग अलग कंपनीज ऑपरेट करती हैं, उसमें से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का पानी उन्होंने जो आउटपुट थी वो कांच के ग्लास में लिया और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था, उसमें बिल्कुल कोई गंदगी नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली गवर्नमेंट जहां तक हो सकता है काफी हद तक प्रयास कर रही है और सक्सेसफुल भी है, लेकिन उस प्रयास को थोड़ा सा और इम्प्रूव करके उस दूसरी जो छोटी मोटी गंदगी आ रही है उसको भी रिमूव किया जा सकता है। लेकिन दिल्ली का गंद मुझे ऐसा लग रहा है कि यमुना के अंदर नहीं जा रहा, ये बाकी स्टेट जो कनेक्टेड है साथ में, हर किसी को उस तरह का प्रयास करने की जरूरत है, और अगर वो ऐसा प्रयास करे तो डेफिनेटली हम गंगा यमुना और हमारी जितनी नदियां हैं वो सबको स्वच्छ कर पाएंगे। दिल्ली सरकार तो अपने उससे पूरी कोशिश कर रही है, जो दूसरी स्टेट्स की जो गवर्नमेंट है वो उनको सपोर्ट करना चाहिए, ये एक अकेला इशू एक गवर्नमेंट का नहीं, ये पूरे उस सब का है। सो एवरीबडी हैज टू हेल्प ईच अदर, एक दूसरे का साथ देने सपोर्ट करना चाहिए। इस समय ये टाइम नहीं है कि हम ये कहें जी भाई आप ये कर लीजिए आप वो कर लीजिए, आपको दिल्ली गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए हर तरीके से। आप देखिए फेस्टिवल सीजन है, सबको है, ये नहीं कि भाई आप अपने स्टेट को देखें और अपने नंबर मारने के चक्कर में दूसरे को आप बदनाम करें। दिस इज ऑल आई वांट। अभी मैंने गोपाल राय जी का इनपुट सुन रहा था टीवी में आ रहा, उसके अंदर उन्होंने 10 पॉइंट दिए, पॉइंट टोटल ये क्लियर हो रहा है कि यूपी ये पॉलिटिकल सड़क चल रहा है, अगर यूपी वाले इसमें जंप ना करे तो नंबर तो यमुना या जिसकी हम पूजा करते हैं उसको हम गंदा रखेंगे, ये सोच कितनी गंदी है लोगों की। वैसे कहते हैं हम जितना भी ये जो गंदगी आ रही है ये बेसिकली पीछे से आ रही है, ये जो यमुना पानीपत से गंदी होनी स्टार्ट होती है और फिर उसके बाद दिल्ली तक ये और ज्यादा गंदी हो जाती है। इसमें तो मेनली डंपिंग आ रही है वो यूपी और हरियाणा से आ रही है जिसमें की बीजेपी की सरकार है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ दिल्ली की तो दिल्ली में कम्प्लीट पूरे तौर से यहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट्स चल रहे हैं और यमुना को साफ करने का पूरा प्रयास हो रहा है, लेकिन जो पीछे से गंदा पानी आ रहा है और भी सरकारों को जरूरत है कि वो अपने सीवरेज प्लांट्स अपने ट्रीटमेंट प्लांट्स को अच्छा करें जिससे कि वहाँ से भी पानी साफ आए और आगे भी पानी साफ होगा तो उससे जो यमुना है वो और अच्छी तरीके से साफ हो सकती है। ये तो आम पब्लिक का दोष है, ये जो फैक्ट्रीज वाले हैं वो इसके अंदर कचरा और गंदा पानी वेस्ट केमिकल वो सब डालते हैं। दिल्ली सरकार ने पूरा 365 डेज प्रयास किया है कि यमुना जी को यमुना को साफ करने के लिए, जैसे केजरीवाल जी ने भी कहा था कि हम यमुना को साफ करेंगे। देखिए कोई भी नेता कोई भी पार्टी का अगर वो काम कर रहा है तो दूसरी पार्टी उसे काम नहीं करने देगी, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड बात ये है कि वो पूरा ही यमुना जी को साफ कर रहे हैं, लेकिन अगर यूपी और हरियाणा से जो फैक्ट्रीज हैं आके अगर वो केमिकल्स उसमें डालेंगे तो सारा जो प्रयास है वो भी हो जाता है। जोन सी भी पार्टी अगर काम करे, अगर आम आदमी पार्टी इसका पूरा प्रयास करके दिखा रही है 365 दिन, तो उसको मोटिवेट करो ना कि उसे डीमोटिवेट करके निगलेक्ट किया जाए।